आता बाघड़िया घनघोर घटा सामण की सोरी गाँव गीत सुरीले या पींगली कामण की। पंडित लक्ष्मीचंद जी ने कहा कि तीज के उत्सव पर हरियाली तीज हम कहते हैं हरियाणवी में, जो मैंने आपको ये बताया पंडित लक्ष्मीचंद जी शेक्सपियर ऑफ हरियाणा रहे। और तीज का त्यौहार हमारे हरियाणा प्रदेश में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कोथड़ी आया अगर भेड़ बेटियाँ की और कोथड़ी लेके भी जाया अगर भेड़ बेटियाँ की और वो आई कोथड़ी आप कहीं आई कोथड़ी आई होगी और कई कोथड़ी लेके भी गए होंगे। मीठी सुहाड़ी बनाया करती गुलगुले बनाया करती और पींग पे और नीम के पेड़ पर जामुन के पेड़ पर और बड़े बड़े पेड़ा पे बरगद के पेड़ पर धूल गलिया करती पींग गलिया करती और गीत गाया करती। सोगर देता बाघ हरिया घन घोर घटा सामण की छोरी रगावा गीत सुरीले या पींग री सामण की। तो ये सुरीले गीत और ये सारी बातें हमारे हरियाणा की संस्कृति की अब थोड़ा थोड़ा लुप्त होती जा रही है, लेकिन कुछ एनजीओ ऐसी हैं कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो आज भी इन्हें बरकरार रख रही हैं। ऐसे में प्रगति समाज वेलफेयर सोसाइटी की चेयरपर्सन हमारे साथ हैं जिन्होंने अपने पुत्र डबल डबल आज कार्यक्रम है बहुत महत्व प्रोग्राम है आज तीज का उत्सव भी है और इस प्रगति समाज वेलफेयर सोसाइटी के चेयरपर्सन इनके पुत्र निखिल का जन्मदिन है। इन्होंने लाला हुकमचंद जैन पार्क में पौधा रोपा। मैडम ये अक्सर आप जन्मदिन इसका निखिल कितने साल का हो गया आपका? ये 13 साल का हो गया सर, अब 14 में लगा। तो कितने 13 पौधे लगा चुके हैं? हाँ सर, पहले बचपन से ही लगाते आ रहे हैं वैसे कंपनी। तो आपकी सोसाइटी ने जो आपकी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है प्रगति समाज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कितना यानी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कितना काम किया है कितना पौधे रोपा? आज आपका उद्देश्य क्या रहा? तीज का पावन पर्व है उपलक्ष्य अभी इस उपलक्ष्य पर ही हमने प्रगति समाज वेलफेयर सोसाइटी कमेटी ने यही निर्णय लिया था कि अभी हमें आज से हरियाली तीज से स्टार्ट करेंगे पौधारोपण। हाँ जी, और बेटे का जन्मदिन भी था, इसकी भी दिल की इच्छा थी कि मैं अपना जन्मदिन पौधा लगा कर मनाऊंगी मैं। और पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ बात हमारी सोसाइटी काफ़ी टाइम से सोच रही थी, अब से हम ये अभियान चलाएंगे और गांव-गांव जाकर पौधा। ये हरियाली तीज पे आपने हर आज सुविधा लाओ परेशानी है कि वाकई आप हरियाली तीज को सेलिब्रेट कर रही है। और आपका हरियाली तीज पे क्या कार्यक्रम रहा? कहीं पीन लाली आपने हमारे हरियाणा की संस्कृति को जो लोग भूलते जा रहे हैं लुप्त होते जा रहे हैं। हाँ सर, बच्चों के लिए झूला डाला है उस पर पिंक मैंने भी डाल ली और हमारे पड़ोस की महिलाएं भी आई। सासू जी का नाक तोड़ दिया है? ना वो नहीं, सासू हमारे है नहीं ना। तो आपका और क्या क्या कार्यक्रम रहता है आज के दिन? आपने और क्या बेटे का जन्मदिन मनाया, लड्डू बांटे आ रही हैं? हाँ जी, अब घर जाकर पड़ोस पड़ोस में मिठाइयाँ बांटेंगे, सेलिब्रेट करेंगे तीज का उत्सव और पर्यावरण पर लोगों को भी बताएंगे। और आज एक संकल्प लिया है, इतने सारे ये सोसाइटी के सारे मेंबर आए हुए हैं और आज वैसे तो धरती के आभूषण है वृक्ष और ये हमें हर चीज़ देखो लकड़ी ऑक्सीजन और इतनी सारी फल छाया सब कुछ इन्हीं से तो मिलता है हमें, यही हमारी जीवन का संकल्प होना चाहिए। सभी को एक संकल्प तो एक पौधा तो ज़रूर लगाएं ताकि हमें बंद बोतल वाली ऑक्सीजन से बचाव मिल सके और हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके, आने वाली पीढ़ी का ही भविष्य सुरक्षित हो। जैसे हमारी पीढ़ी लगा के गई हमारे लिए, ऐसे ही हम पौधारोपण करेंगे तभी आगे आने वाली पीढ़ी इसको समझ सकेगी। माना कि समस्त धरा को गुलजार नहीं कर सकते हम, लेकिन जहाँ से गुजरे वहाँ से काटे तो कुछ कम कर सकते हैं, यही संकल्प मीना चौधरी जी ने लिया कि आज पर्यावरण पर। मेरे साथ नगर परिषद के चेयरमैन रिंकू सैनी जी, जो अक्सर बहुत बढ़िया बोलते हैं लेकिन चुपचाप खड़े हैं। बताइए आज हरियाली तीज पे आपने क्या कार्यक्रम किया? आज बड़ा खुशी का दिन है और प्रगति समाज सोसाइटी ने जो आज शुरुआत की है बहुत अच्छी शुरुआत की है। जी जी, और ये संकल्प लिया है सभी कार्यकारिणी सदस्यों ने भी कि आने वाले समय में हम पौधे लगाते रहेंगे। और आज जो तीज का त्यौहार है, आज तीज ने सभी त्योहारों का बीज बो दिया है, इसके बाद सभी त्यौहार शुरू हो जाएंगे, रक्षाबंधन सारे त्यौहार अब आने लग जाएंगे। ये कहना है कि तीज ने त्योहारों का आगाज किया है जिसके बाद त्योहारों की बात ही आ जाएगी। हमारे बीच कुछ बहन बेटियां हैं, इनसे जानते हैं कि आपने क्या किया आज, क्या है आज, कौन सा पर्व है बहन जी आज? अच्छा, क्या करे क्या पढ़ाया आज घर में? सही में बताइए, नहीं नहीं अच्छा। और
पिंग पांग झूली नहीं बच्चों के लिए डाल रहा है। आप हिंदू महासभा की महिला मोर्चे की प्रधान है, क्या नाम? क्षमा मल्होत्रा। क्षमा मल्होत्रा जी, आपने चश्मा जी बिल्कुल, यानी अंग्रेजों टाइप लगा रखे वैसे है। हाँ बताइए, आज तीज का उत्सव कैसे मनाते हैं आप? मैं तो पंजाब से हूँ, वहाँ पे तो हम जब तीज मनाते थे तब गिद्दा होता है जो पंजाब का लोक डांस है, लोक गीत है, लोक नृत्य कुछ भी कर लो, तो वो बहुत सारी लेडीज इकट्ठा होकर मनाती थी। तो मैंने यहाँ पहली बार आज तीज देखी, मैं इसीलिए आई थी, मैं तो देखूंगी भी कल्चर हरियाणे का। हालांकि मेरी फैंसी ड्रेस की दुकान है, सारा दिन दाम बंद में, यह हमारा काम है, पर देखा मैंने आज पहली बार ऐसे करते। शास्त्री जी हैं, मैं शास्त्री जी, तो आप कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, अध्यापन कार्य में भी आप हैं, एक शिक्षक हैं, और हरियाणवी में हमें बताएं कि भी हरियाली तीज का क्या महत्व होता है, और ये प्रदेश से लुप्त होती जा रही है, ये हमारी हरियाणा कल्चर है, हरियाणवी में बताएं। राजीव जी, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गुरुदेव, मंगलम पुंडलिकाक्ष मंगलाय तुलरी। पहले तो एक बार सबको बहुत बहुत बधाइयाँ तीज की भी, और यहाँ जितने साथी हैं उनकी भी, और बिना जी का जो पुत्र है बेधा भी हो, आयुष्मान हो और कुशाग्र बुद्धि बने। पूरा 365 दिन में राजीव जी भारतवर्ष महान, इसलिए कहते हैं मेरा भारत महान, क्योंकि यहाँ हर बार हर दिन एक त्यौहार आता है। और तीज का त्यौहार मुझे याद है वो बड़े बड़े पतासे, गुलगुले और वो सुहाड़ी, गाँव की परंपरा रही है पंजाब राजस्थान हरियाणा का, जबरदस्त ये त्यौहार है राजीव जी। और मैं आपने एक इतना बढ़िया प्रश्न पूछा, आपका आभार प्रकट करता हूँ। आज जब गांव में जब एक कोथली आया करती, उस कोथली के अंदर पिप्पे में दिख जाया करती कि पिप्पा उसको घर उधर है, और वो पतासों का गुलगुलों का, ये कहते हैं कि श्रावण के महीने में महाशिवरात्रि और उसके बाद काल सरस दोष, श्रावण के महीने की बहुत बढ़िया रैली तीज का महत्व है कि हर तीज को लोग अपने अपने घरों में तीज बनाते हैं, और तीज पे वो मिठाई आज भी आते हैं, लेकिन ये प्राय लुप्त हो गई क्योंकि श्रद्धा आ गई। और आज तीज पे आपको सबको बधाई, और वो मुझे गीत याद आता है, सावन के झूले पड़े। ये थे हमारे शास्त्री जी, इनका कहना है कि तीजों पे कोथड़ी आया करती और पीपे भरे आया करते, और उससे कलाबाजी खाया करते, उसका नभी आजकल जो भोजन नहीं मिलता, सुहाड़ी नहीं मिलती और गुलगुले नहीं मिलते, उससे भी पेट का हाथ मरते रहे हैं मानस तो मने, कि जब हमारे त्यौहार लुप्त हो रहे हैं। लेकिन बिना जी इनको जिंदा रखे हुए, मेरे साथ एक और एनजीओ की मोहतरमा है मैडम ज्योति खान, आप तो मेरे साथ प्लेन में भी रही हैं। बिल्कुल रही हैं, दिल्ली गई थी। ज्योति खान जी बताइए, तीज का क्या महत्व रहता है? आप तो बहुत बढ़िया एंकर भी हैं, बताइए। देखिए, तीज एक मस्ती का त्यौहार है। तीज एक मस्ती का त्यौहार है कि एक ऐसा त्यौहार जिसमें सबका झूमने का मन करता है, मेहंदी लगाने का मन करता है, झूला झूलने का मन करता है, रंगों को पहनने का मन करता है। आप सेलिब्रेट करती हैं इसे? बिल्कुल करती हूँ। मेहंदी क्यों नहीं लगा रखी आपने? क्योंकि आज मुझे समय नहीं मिल पाया, तो मैं बेसिकली आजकल ड्रग एडिक्ट्स के लिए काम कर रही हूँ, तो मैं आजकल गांव-गांव समझ गया कि बेसिकली मैं आजकल ड्रग एडिक्टेड हो गई हूँ। मैं ड्रग एडिक्टेड नहीं हूँ, ड्रग एडिक्ट्स के लिए काम कर रही हूँ, तो गांव-गांव में घूम के लोगों को जाके अवेयर कर रही हूँ कि एडिक्शन एक अच्छी बात नहीं। तो मेरा 22 अगस्त को कोर्स हो रहा है कैथल आश्रम में, जिसमें डिपेंडेंट एडिक्ट को हम रखने वाले हैं। तो आज 30 के इस पावन उत्सव पर उपलक्ष्य में, यार ये एक फेस्टिवल है हमारा हरियाणा की शान फेस्टिवल जिसे कहते हैं, इस पे क्या संदेश देना चाहते हैं? इस पे यही संदेश देना चाहूँगी, पौधे लगाएं, खुशियाँ बरसाएं, हंसे हंसाएं, मत फंसो मत फंसाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओके, ये था प्रगति समाज वेलफेयर सोसाइटी का कार्यक्रम तीज का, जिन्होंने तीज सेलिब्रेट किया एक पौधारोपण करके, अपने बच्चे का जो 6% थे उन्होंने अपने बेटे का जन्मदिन मनाया और पौधारोपण करके, और सबको हरियाली तीज की बधाई। इसी तरह इन कार्यक्रमों में हम आपसे मुलाकात करवाते रहेंगे, और सब्सक्राइब कीजिएगा हाँसी की आवाज़ चैनल को।